स्टार्ट करने के पहले मैं एक बड़े जोरदार जय आरसीएम के साथ प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो जैसे हमने जय आरसीएम के साथ आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके मुताबिक अगर हम हमारे डाइट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, आसानी से हमारे खाद्य भोजन में हर प्रकार का खाद्य समूह शामिल करना चाहते हैं, तो एक आसान तरीका है हमारे पास में और वो है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। तो अगर आप देखते हैं तो स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा आपके शरीर को अधिकतम स्वास्थ्य लाभ देने और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसे मजबूत बनाने के लिए आपको मदद करता है। तो इसमें डाले गए हैं 12 महत्वपूर्ण सामग्री। इन ये 12 महत्वपूर्ण सामग्री आपके हेल्थ को और आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपको मदद करता है। तो ये जो 12 चुनिंदा इंग्रेडिएंट्स है, ये कौन-कौन से हैं जो स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में डाला गया है, वो है, पहला अगर हम देखते हैं तो वो है गेहूं, गेहूं का चोकर, सिंगाड़ा, मकई, सोयाबीन, ओट्स, गेहूं फाइबर, मेथी दाना, राजगीरा, अलसी, चना दाल, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। तो इस तरह ये 12 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे बनता है आपका स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। अब ये जो 12 इंग्रेडिएंट्स डाल के स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा बनाया गया है, तो इससे आपको क्या फायदा मिलता है? यहाँ पे आपको 6 महत्वपूर्ण फायदे मिलते हैं। पहला, जो हम हमें आज के सिचुएशन में जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी स्ट्रोंग करना बहुत जरूरी है, तो स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा आपको पहला फायदा देता है कि ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मजबूत बनाने में आपको मदद करता है। दूसरा, आपका पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, क्योंकि आज हम जब डायबिटीज कहते हैं, दिल की बीमारी की बात करते हैं, वजन बढ़ रहा है, ये चीजों की बात करते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो जितना अच्छी तरह से आप आपका खाना डाइजेस्ट कर पाएंगे, उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर पाएंगे, उतना आपका सेहत अच्छा रहेगा। तो आपका पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा आपकी मदद करता है। फिर प्रोटीन से समृद्ध है, अगेन प्रोटीन ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके शरीर के लिए। आपके सर से लेके पाँव तक आपके अंदर खून है, मांसपेशियां हैं, नर्वस सिस्टम है, हड्डियां हैं, इन सब के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वेच्छा के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आपको मदद करता है। विटामिन्स और मिनरल्स से ये समृद्ध है। ओमेगा 3, जो हमने कहा कि बहुत जरूरी है हमारी सेहत के लिए, वो आपको यहाँ पे मिलने में मदद करता है, क्योंकि इसमें अलसी या फ्लैक्सीड डाला गया है। और आखिरी में जो महत्वपूर्ण फायदा आज के सिचुएशन में या आज के युग में हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो ये 6 महत्वपूर्ण फायदे आपको मिलते हैं स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा से। इससे आपकी पूरी सेहत को बेहतर करने में आपको मदद मिलता है। तो देखते हैं ये 12 जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है, हर एक इंग्रेडिएंट को देखते हैं और हर एक इंग्रेडिएंट आपको क्या फायदा देता है वो हम देखेंगे। तो हम क्योंकि 12 इंग्रेडिएंट्स देखने वाले हैं, तो जैसे हम एक एक इंग्रेडिएंट देखेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप सब स्टार्ट करेंगे एक से, तो आपकी उंगली भी एक उंगली उठी रहेगी। तो क्या मैं देख सकती हूँ? क्योंकि मैं आपको देख सकती हूँ। तो एक पहला जो हम देखते हैं वो है गेहूं। तो यस, तो गेहूं जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से युक्त है और इसका फायदा ये है कि ये आपके पाचन प्रक्रिया को धीमे करता है, डाइजेशन को स्लो करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फायदा है
उन लोगों को जो डायबिटीज है, जिनको डायबिटीज है, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है। ये फाइबर से भरपूर है, तो आपके को ये सुधारने में मदद करता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है गेहूं का। दूसरा जो हम देखेंगे वो है चना दाल। चना दाल, क्योंकि ये दालों में से मिलता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्रोटीन में उच्च है। तो हम देख रहे हैं अभी दूसरा, तो हमने एक देखा गेहूं, अब हम दूसरा देख रहे हैं चना दाल। सो क्या मैं देख सकती हूँ दोनों यहाँ ऊपर? यस, सो गुड। सो दूसरा है चना दाल, प्रोटीन में उच्च है। दूसरा फायदा जो महत्वपूर्ण यहाँ पे है वो है फाइबर में उच्च है। और तीसरा जो यहाँ पे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि वो है कि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कम है। ये तीनों फायदे अगर हम एक साथ करते हैं तो ये पहला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो डायबिटीज से पीड़ित है, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है। प्रोटीन उच्च है, कि प्रोटीन जैसे हमने कहा ये हमारे पूरे शरीर के लिए उसको अच्छा रखने के लिए, उसके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है। और प्लस ये आपके भूख को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो वो सारे लोग जो वेट मैनेज करना चाहते हैं, जो वजन कम करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा है यहाँ पे चना दाल का। तो चना दाल के ये तीन महत्वपूर्ण फायदे आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, कि ये प्रोटीन में उच्च है, फाइबर में उच्च है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स में ये कम है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और चौथे, क्योंकि हम यहाँ पे दो इंग्रेडिएंट साथ में देखेंगे, तो सोया एवं आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अब दो इंग्रेडिएंट साथ में, तो हम यहाँ पे हमारी चार उंगलियां ऊपर करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे फायदा आपको ये मिलता है कि इसमें 9 अमीनो एसिड, आवश्यक जो हमारे शरीर को अमीनो एसिड की जरूरत है, वो हमें यहाँ पे मिलता है। अब अमीनो एसिड क्यों जरूरी है? क्योंकि ये 9 अमीनो एसिड आपके शरीर में जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है वो बनाने में मदद करते हैं। तो जैसे हमने कहा, हमारे सर से लेके, बालों से लेके, पैर के नाखून से अंदर खून जो है, मांसपेशियां हैं, नर्वस सिस्टम है, हड्डियां हैं, आपके रोग प्रतिरोधक एंटीज है, ये सब बनाने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत है। और ये तब बनेंगे जब आप आपके शरीर को ये आवश्यक 9 अमीनो एसिड देंगे। अगर इसमें से एक भी अमीनो एसिड कम पड़ता है तो आप आपका शरीर आप अपना शरीर वो अलग अलग प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो सोया और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन जो आपको सोयाबीन से मिलता है, ये आपको ये शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए 9 अमीनो एसिड दे रहे हैं। अगला यहाँ पे ये शरीर के पीएच को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। एंटी एजिंग गुण है इसमें भरपूर, और जैसे हमने कहा लास्ट में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने चार महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स देखे। अब आगे बढ़ते हैं पांचवे इंग्रेडिएंट के तरफ, जो है मकई। ना जैसे आप देख सकते हैं मकई का रंग क्या है, मकई का रंग पीला है। तो ये जो पीला रंग है ये उसमें आता है एक महत्वपूर्ण फाइटो न्यूट्रिएंट से, जो है बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन आपके आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आंखों के सेहत के लिए आपको यहाँ से मिलता है बीटा कैरोटीन, जो मकई में भरपूर मात्रा में है। इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मिनरल्स भी है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, और ये फाइबर में समृद्ध है। तो ये हमने देखे पांच, तो पांच हमने इंग्रेडिएंट्स के। अब हम आ जाते हैं हाथ के तरफ, तो अगले हाथ का एक और उंगली हमारा उठता है और वो बनता है हमारा छठवां इंग्रेडिएंट, जो है ओट्स। अब ओट्स के बारे में हमने बहुत सुना है कि ये आपके दिल के लिए अच्छा है, ये कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो इसमें ओट्स में वो कौन सी चीज है जो आपके सेहत के लिए, आपके दिल के सेहत के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने में मदद कर रहा है? वो है बीटा ग्लूकन। बीटा ग्लूकन एक प्रकार का फाइबर है जो आपके खाने में, जब आप खाना खाते हैं तो खाने में जो भी फैट्स है उसे पकड़े रखता है। तो अगर कोई चीज पकड़े रहेगा तो वो आपका शरीर आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा,
और अगर कोई चीज आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो आपके शरीर के अंदर जाएगा नहीं और आपके शरीर को नुकसान नहीं देगा। तो यहाँ पे बीटा ग्लूकन जो फाइबर है वो फैट को और उसे डाइजेस्ट होने में रोकता है और शरीर से बाहर निकालता है। उस तरह से आपका आपके हृदय की सेहत अच्छी रहती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलता है, ओके। और इस तरह आपका ओवरऑल हृदय का हेल्थ अच्छा रहता है। तो उन लोग जिन्हें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिनको और हार्ट हेल्दी रखने की इच्छा है, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, वो है ओट्स। तो आगे बढ़ते हैं सातवां। तो हमने पांच लिखे, एक दिन का और जाते हैं सातवें इंग्रेडिएंट के तरफ, वो है राजगीरा। राजगीरा भी क्या हम रोज खाते हैं राजगीरा? नहीं, सिर्फ जब हमारा उपवास होता है तब हमें राजगीरा ध्यान में आता है और हम राजगीरा की पूरी खाते हैं। बट राजगीरा ये रोज के हमारे भोजन में होना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे इसमें आयरन है जो आपके खून में जो ऑक्सीजन कैरी करने के लिए जरूरी है, हेमोग्लोबिन जी, वो बनाने के लिए इसमें आयरन है। तो आयरन बहुत महत्वपूर्ण है। हेमोग्लोबिन जितना अच्छा रहेगा उतना ऑक्सीजन आपके सेहत में, आपके हृदय में अच्छा रहेगा, आपके बॉडी में अच्छा रहेगा। और जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना आप अलर्ट रहेंगे, उतना आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो यहाँ पे आयरन है महत्वपूर्ण। आपके हड्डियों को मजबूत रखने के लिए यहाँ पे मैग्नीशियम, फास्फोरस और कैल्शियम है, जो आपके हड्डियों को अच्छा रखने में मदद करता है, हेल्दी रखने में मदद करता है। तो जो अपना हेमोग्लोबिन बढ़ाना चाहते हैं, आप हमारे हड्डियों को मजबूत रखना चाहता है, उनके लिए यहाँ पे राजगीरा है। और आई एम श्योर हम सब चाहते हैं कि हमारा हेमोग्लोबिन बढ़े और हमारी हड्डियां मजबूत रहे। तो राजगीरा यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। 9 एमिनो एसिड जो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है वो भी आपको मिलता है राजगीरा में से। और पचाने में ये आसान है, फाइबर में समृद्ध है और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है। तो ये महत्वपूर्ण फायदे आपको मिल रहे हैं राजगीरा से। तो हमने राजगीरा देखा जो हमारा सातवां इंग्रेडिएंट था। अब हम जाते हैं आठवें इंग्रेडिएंट के तरफ, वो है मेथी। अब मेथी हमने बहुत सुना है उन लोगों के लिए जो डायबिटिक है, सही है? तो जो डायबिटीज से पीड़ित है उनको कहा जाता है कि एक चमचा आप मेथी लो, पानी में इसे भिगो के रखो ओवरनाइट, और सुबह में उठते उठते आप इसका सेवन करो। तो पानी भी पी लो और मेथी का दाना भी खा लो, तो आपका ब्लड शुगर लेवल्स नियंत्रित रखने में आपको मदद मिलेगा। लेकिन मेथी हम सब जानते हैं कि बहुत कड़वा होता है। तो हम कितने लोग हैं जो सुबह उठते उठते कड़वा चीज हमारे मुंह में डालना पसंद करते हैं? पसंद करते हैं? नहीं, कोई भी नहीं पसंद करना चाहता है। तो शायद एक डायबिटीज से जो पीड़ित है वो कहेगा मैंने एक या दो दिन किया, बट हर रोज करना ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही आसान तरीके से स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में मेथी डाल के आपको इसका फायदा प्रदान किया गया है, जो आप हर रोज खा सकते हैं बिना ये सोचे कि ये कड़वा है, ये कड़वा हमारे मुंह को कड़वा करेगा। तो मेथी, जैसे हमने कहा, इसमें जो फाइबर मौजूद है ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखने में मदद करता है। तो ये डायबिटीज से जो पीड़ित है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रखने में मदद नियंत्रित रखना चाहते हैं उनके लिए मेथी का यहाँ पे फायदा मिलता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल उसे नियंत्रित रखने में मेथी का फायदा मिलता है। तो जो आपके कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल जो हम कहते हैं उनको कम, उसको कम करना चाहते हैं, और जो डायबिटीज है जो ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे मेथी का फायदा आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं दसवें इंग्रेडिएंट के तरफ। तो फ्लैक्स सीड, ये आपका दसवां इंग्रेडिएंट है। और फ्लैक्स सीड, जैसे हमने कहा कि ये सबसे रिच है ओमेगा 3 फैटी एसिड में, और ओमेगा 3 जो है ये हमें हमारे खाने में आसानी से नहीं मिलता है। हम भले ही तेल ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन ये तेल जो हम रोज खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, वहां से हमें ये
आसानी से नहीं मिलता है। और ओमेगा थ्री का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके हृदय के लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि पहला, ये आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसे कम करता है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसे बढ़ाता है। जब कोई चीज बुरी है वो कम होती है, और जो चीज अच्छी है वो बढ़ती है, तो आपको क्या मिलेगा? फायदा ही फायदा। सही है? तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा है वो बढ़ता है। तो आपके ये हृदय के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब अलसी या फ्लैक्सीड में जो ओमेगा थ्री है, ये सिर्फ आपके हृदय के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। ये आपके बालों के लिए अच्छा है, ये आपके स्किन के लिए अच्छा है, ये आपके आ, 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 नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स है, ब्रेन है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके हड्डियों के लिए फायदेमंद है। तो अलसी में से जो आपको ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स मिलते हैं, ये आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद इंग्रेडिएंट यहाँ पे है। तो आगे बढ़ते हैं अगले इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है सिंगाड़ा। अब सिंगाड़ा कितने लोग हर रोज खाते हैं? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये हर रोज आपको मिलता ही नहीं, ये बहुत सीजनल है। तो सिंगाड़ा बहुत फायदेमंद फल है, जो आपको पोटेशियम देता है, शरीर में पानी के अवधारण को बेहतर बनाता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में पानी जम जाता है, पानी रह जाता है, और हमें आ, 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 एडिमा का प्रॉब्लम है, पानी रह जाता है, या तो ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, ये लोग आपका ये शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो उनके लिए सिंगाड़ा ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये आपके शरीर में वाटर बैलेंस करने में मदद करता है, एक्सेस पानी आपके शरीर में से बाहर निकालने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है भरपूर, तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन B6, जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, वो विटामिन आपको यहाँ से मिलता है। तो सिंगाड़ा ये एक इंग्रेडिएंट, महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, जो स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा में आपको मिलता है। तो अब हम देखते हैं आखिरी के दो इंग्रेडिएंट। तो हमने 10 इंग्रेडिएंट देखे, तो हम अपने मुट्ठी को बंद कर देते हैं, और अगले, क्योंकि हमारे हाथों में सिर्फ 10 उंगलियां हैं, तो हम मुट्ठी बंद करते हैं, और हमारे पास दो और इंग्रेडिएंट है, तो एक और इंग्रेडिएंट की तरफ जाते हैं, 11वां इंग्रेडिएंट, जो है गेहूं का चोकर। नाउ गेहूं का चोकर क्या है? तो अगर हम गेहूं का आटा बनाना चाहते हैं, तो हम जब गेहूं साफ करते हैं, तो बाहर का जो छिलका कई बार निकलता है, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम फेंक देते हैं। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हम ब्रैन कहते हैं, गेहूं का चोकर कहते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फाइबर में समृद्ध है, और ये फाइबर आपके पेट में या आपके इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये जो फाइबर है, ये वो गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है। तो ये गेहूं का चोकर बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा आपको देता है, क्योंकि हमारा जो जो डाइट है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जहाँ पे हम बहुत ज्यादा आ, 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 कम फाइबर वाली चीजें खाते हैं, तो ये आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक के रूप में काम करता है, और जो अच्छी बैक्टीरिया है उनको बढ़ाने में मदद करता है। तो आखिरी इंग्रेडिएंट देखते हैं, जो है गेहूं का फाइबर। अब गेहूं का फाइबर डाला गया है ताकि आपको एक बहुत ही सॉफ्ट रोटियां मिल सके, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी रोटियां जब हम खाएं तो सॉफ्ट बने। तो सब चाहते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो वैसे ही रहे, जो नॉर्मल रोटी के जैसा हो। तो नॉर्मल रोटी के जैसे आपको स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा का रोटी बने, इसीलिए इसमें गेहूं का फाइबर डाला गया है।
कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और भूख को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। तो ये हमने 12 महत्वपूर्ण फायदे देखे, इंग्रेडिएंट्स देखे और इनके इतने सारे फायदे देखे जो सब मिलकर आपको वो 6 महत्वपूर्ण फायदे देते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे। तो कौन से 6 महत्वपूर्ण फायदे थे अगर हम फिर से देखें तो पहला, ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है तो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। तीसरा, ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। चौथा, ये आपको महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स यहाँ पे देता है। पांचवा, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको ये यहाँ पे प्रदान करता है क्योंकि इसमें हमने फ्लैक्स सीड डाले गए हैं। तो ये सारे आपको फायदे मिलते हैं क्योंकि इसमें ये स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटे में ये 12 महत्वपूर्ण हमने इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। तो अब वक्त आता है ये देखने के लिए कि ये आटा बनाया कैसा गया है। स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा कोई आम मल्टीग्रेन आटा जैसा नहीं है। इस मल्टीग्रेन आटा को बनाने के लिए 1.5 साल तक गहन अध्ययन व प्रयोग किए गए हैं। महीनों तक शोध करने के बाद इसकी सामग्री का चयन किया गया है। स्वाद व पोषण का उत्तम संयोजन वाला आटा देने के लिए सैकड़ों सैंपल्स का परीक्षण किया गया है। ये अध्ययन आपके आहार में रहने वाली कमियों को पूरा करने के लिए किया गया है। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं चारू दशोरा न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। फूड एंड न्यूट्रिशन में मैंने मास्टर किया हुआ है। आरसीएम में फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखती हूँ। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको कुछ बताना चाहती हूँ जिसका उपयोग करके आप आपके सेहत में सुधार ला सकते हैं। मैं आपको आज स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा के बारे में बताना चाहती हूँ, जो संपूर्ण आहार के लिए जरूरी 5 फूड ग्रुप का मिश्रण है, जिसमें अनाज, दाल, प्रोटीन, सब्जी, फल, नट्स व तेल वाले बीज को उचित अनुपात व उचित न्यूट्रिशन वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलाया गया है। ये आपको अच्छा पोषण मूल्य भी प्रदान करेगा, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और ये क्वालिटी में भी बेस्ट है। स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा से बनने वाली रोटियाँ भी बहुत स्वादपूर्ण हैं और बहुत नरम बनती है, जो आपके परिवार में सभी को पसंद आएगी। ज्यादातर परिवारों में रोटी एक मुख्य आहार होती है। अगर हम रोटी को ही पोषक तत्वों से भरपूर कर दें, तो उससे बेहतर भोजन कुछ नहीं हो सकता है। इस आटे में उन खाद्य पदार्थ को शामिल किया गया है जिन्हें हम अपने दैनिक आहार में उपयोग में नहीं ला पाते हैं। हमारे दैनिक आहार में पोषण की पूर्ति करने के लिए 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, प्रोटीन, फल, सब्जियाँ, नट्स और तेल वाले बीज शामिल करना अनिवार्य होता है। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को परखने के बाद 12 सामग्री के मिश्रण से बनाया गया है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ओट्स, सोयाबीन, राजगिरा, मकई, चना दाल, मेथी दाना, अलसी, गेहूं फाइबर और गेहूं का चोकर है। ये आटा आपको 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करेगा। गेहूं का आटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उत्तम स्रोत है। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन व सोयाबीन का मिश्रण मांसपेशियों के निर्माण में मदद करेगा। ओट्स का फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। मकई का आटा एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है। चना दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। राजगिरा सभी 9 प्रकार के अमीनो एसिड्स का स्रोत है। मेथी दाना शरीर को आयरन प्रदान करता है। सिंघाड़ा का आटा मिनरल्स में समृद्ध है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई का प्रचुर स्रोत है, जो हृदय संबंधी समस्याओं का ख्याल रखने में मदद करते हैं। गेहूं का चोकर व गेहूं फाइबर का मिश्रण पाचन तंत्र स्वस्थ रखने में मददगार है। नमस्ते, जय आरसीएम। आई एम हितेश शर्मा। आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्ट क्वालिटी इन आरसीएम। आरसीएम मल्टीग्रेन आटा फुल्ली ऑटोमेटिक फैसिलिटी के अंदर प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस के पश्चात पैकेजिंग पे भी वापस ध्यान दिया जाता है। पैकेजिंग के सभी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पैकेजिंग की गुणवत्ता जांच की जाती है। पैकेजिंग के बाद प्रोडक्ट जो फाइनल मिला है उसकी भी गुणवत्ता जांच की जाती है। गुणवत्ता जांच के बाद में प्रोडक्ट स्टॉक में ले लिया जाता है। प्रोडक्ट को जब भी डिस्पैच करना होता है, एक बार पुनः सभी क्वालिटी पैरामीटर्स पे उसकी जाँच की जाती है, ताकि आप तक, हमारे परिवार तक एक सेफ प्रोडक्ट पहुँचे। ये आटा सभी उम्र के लोगों के लिए उत्तम है।
इस आटे से बहुत ही नरम व स्वादिष्ट रोटियां बनती हैं। ये आटा रोटी बनाने के लिए उत्तम है। इस आटे से मसाला रोटी, कई प्रकार के परांठे, हलवा व अन्य पकवान भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम प्रशांत। अ स्मॉल राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम बेसिकली अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। I have 25 years in the food industry with a varied experience across food product categories. I'm an R&D professional. I work for companies like GSK, Cadbury, Britannia, Dabur, Abbott Nutrition, big names. Last 5 years I have been on my own. Now let's come to what I do with the RCM, right? I work with the RCM to help them develop and launch their food products. I mentor the team out there to do all the good work. So in the last 3 years, the products that you have been seeing across the product categories that RCM works on, I've helped the team develop them. A little about what we do. We start with the ingredients. What I teach the team, what I help the team understand is how to bring these ingredients together. Who are the best suppliers of the ingredients and how you can bring the ingredients in a way that it makes sense to the consumers. Next, what we do is I work with the team to identify manufacturers. I help them work with the manufacturers to solve their problems, to set up processes and quality standards so as to get good quality products through it. While doing all of this, we also take care of the one thing which is very important for us, which is the cost of the product. While not compromising on the quality of the product, we also take care of ensuring that all the regulations and the legislations are met, whether it is to do with the artwork or whether it is to do with the process at the factories. When we started, we were a very small team. We were just two or three of us. We've done a lot of thinking on how the team has to be structured, and now I see that all our efforts are slowly getting rewarded. The team is starting to fall in place, and now we have a lot of new energetic people who have joined the team, and I'm sure that all of them will come together and do a great job. Now, I'm not going to take too much of time talking more about myself or macro stuff. Hope all of you enjoy these sessions. Thank you. आज के सेशन में क्या सीखा, ये अगर हम संक्षेप में अगर देखें तो पहला 12 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए गए हैं और आप हमने बनाया है स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा। इससे आपको 5 महत्वपूर्ण खाद्य समूह का मिश्रण मिलता है जो जरूरी है एक कंप्लीट मील बनाने के लिए, वो है अनाज, दालें, सब्जियां, फल और तेल के बीज। प्रोटीन में समृद्ध है क्योंकि सोया और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन से बनाया गया है। फाइबर का समृद्ध स्रोत है क्योंकि हमने होल ग्रेन्स इस्तेमाल किया है, हमने गेहूं का चोकर इस्तेमाल किया है, हमने गेहूं का फाइबर डाला है, ओट्स है, मेथी है, इन सब से आपको वो फाइबर मिलता है जो आपको आम आपके खाने में नहीं मिल पाता है। प्रोटीन की बेहतर उपलब्धता है क्योंकि हमने आइसोलेटेड सोय प्रोटीन डाला है। मुलायम रोटी मिलते हैं, तो ये सब सारे फायदों के साथ में हमने कहीं पे भी आपके जो टेस्ट है उसको हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर भी मुलायम रोटी मिलते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा फाइबर हमने यहाँ पे डाला गया है। और ओमेगा 3 समृद्ध है जो आपको किसी और मल्टीग्रेन आटा में वो फायदा नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे हमने अलसी या फ्लैक्सीड का इस्तेमाल किया है। तो ये सारे आपको फायदे मिल रहे हैं स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटे में से। तो आई एम श्योर जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा, वो कल से, क्योंकि अभी तो रात हो गई, तो कल से आप जाएंगे और आपका ऑर्डर डालेंगे स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटे के लिए, और ये सारा इंफॉर्मेशन आप आपके कस्टमर के साथ में भी शेयर करेंगे ताकि वो भी स्वेच्छा मल्टीग्रेन आटा का फायदा लें।